तो चलिए आज का सेशन अपन स्टार्ट करते हैं। और आज का सेशन में हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं वो है आईपी एड्रेसिंग, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कंप्यूटर नेटवर्किंग में ये बोल सकते हैं सबसे इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि यही एक ऐसा चीज है जिससे आपकी लोकेशन पूरे इंटरनेट की दुनिया में पता चल जाती है। आज साइबर सेल से लेके हर कोई जो आपकी लोकेशन या हर चीज को जान पाता है वो इसी एड्रेस के माध्यम से जान पाता है। ठीक है, तो ये अपन इस टॉपिक को पढ़ते हैं। तो सबसे पहले जब इस कोई भी टॉपिक को पढ़ते हैं तो अपन को ये जानना होता है कि अपन इस ये टॉपिक का मतलब क्या है बेसिकली। तो चलिए हम लोग पहले यहाँ पे लिखते हैं आईपी एड्रेसिंग और इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा धीरे धीरे जानते जाते हैं। आप लोग मतलब धैर्य रखना, लास्ट तक आपको सब समझ में आ जाएगा, लेकिन धीरे धीरे। ठीक है, तो जो सबसे पहला आईपी एड्रेसिंग होता है वो ये है। पहली बात तो इसका आईपी है, तो इसका फुल फॉर्म क्या है तो आपको मैं बता देता हूं। इसका जो फुल फॉर्म है वो है इंटरनेट प्रोटोकॉल। ठीक है, इंटरनेट प्रोटोकॉल आपका आईपी एड्रेसिंग का फुल फॉर्म है आईपी का। ये है क्या बेसिकली? आईपी एड्रेस, अगर आप बोलें आईपी एड्रेसिंग या फिर आप बोलें आईपी एड्रेसिंग, बेसिकली क्या होता है, एक लेबल प्रोवाइड करता है। लेबल का मतलब समझते हैं, जैसे कोई प्रोडक्ट है उसके साथ में लेबल चिपका हुआ है तो वो बता देता है। जैसे आप बिग बाजार या कहीं पे आप जाते हैं तो हर सामान में एक लेबल चिपका होता है, उसको स्कैन करते हैं तो आप अपने आप उसके प्रोडक्ट का डिटेल पता चल जाता है कि उसका क्या प्राइस है वगैरह, और वो आपका जो शॉपकीपर होता है वो एंट्री करता है। वैसे तो लेबल का मतलब होता है कोई चीज में कुछ चीज चिपका देना या फिर कुछ एसोसिएट कर देना ताकि उस चीज की जानकारी मिल पाए। तो इंटरनेट प्रोटोकॉल क्या है बेसिकली? एक लेबल है। ठीक है, एक लेबल है। किस प्रकार का लेबल है? बहुत सारे लेबल होते हैं। तो ये एक न्यूमेरिकल लेबल है। ठीक है, ये नंबर होते हैं इसमें, कैरेक्टर्स होते हैं, मतलब अल्फाबेट्स होते हैं। तो ये एक आप बोल सकते हो कि ये एक न्यूमेरिकल लेबल है। ठीक है, ये लेबल किसको चिपकाया जाता है? तो वो हर डिवाइस को ये चिपकाया जाता है, ईच डिवाइस। ठीक है, जो कि दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट। मतलब जो भी डिवाइस इंटरनेट से कनेक्टेड है उसका एक आईपी एड्रेस होगा ही होगा। पहली बात, उसमें वो लेबल चिपकाया जाएगा ही जाएगा। ठीक है, तो आपको सिर्फ अगर पहला चीज तो इंटरनेट प्रोटोकॉल आईपी एड्रेसिंग में आपको डेफिनेशन जानने की जरूरत है। इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेसिंग, एक आईपी एड्रेसिंग इज अ न्यूमेरिकल लेबल। पहली बात तो आप ये याद रख लीजिए, इट इज अ न्यूमेरिकल लेबल। ठीक है, विच इज असाइंड टू ईच डिवाइस। ये असाइन किया जाता है ईच डिवाइस को दैट इज कनेक्टेड टू इंटरनेट, जो भी इंटरनेट से कनेक्टेड है और आपस में कम्युनिकेशन करना चाह रहा है। ठीक है, आपस में बातचीत करना चाह रहा है, तब तो अपना आईपी एड्रेस किसी को भेजेगा। ठीक है, ओके, अब आपने ये तो जान लिया कि आईपी एड्रेस का डेफिनेशन क्या होता है। पहली बात तो आपने फुल फॉर्म जाना, दूसरी बात आपने डेफिनेशन जाना, तीसरी बात आप इसका पर्पस जानिए कि ये किस पर्पस के लिए काम आता है आईपी एड्रेसिंग। तो आईपी एड्रेसिंग दो ही पर्पस के लिए काम आता है बेसिकली। ठीक है, आईपी एड्रेस क्यों किया जाता है? क्योंकि पहली बात तो अपन को एड्रेसिंग करना है। ठीक है, एड्रेसिंग करना है किस चीज की? लोकेशन की एड्रेसिंग। देखिए, आप कहीं पे हैं, मान लीजिए आप बिलासपुर के किसी पर्टिकुलर जगह पे हैं, तो आपकी तो एड्रेसिंग हो रखी है ना। आप किसी को कुछ बताएंगे तो क्या बताएंगे कि मैं पृथ्वी में रहता हूँ, ऐसा तो नहीं बोलेंगे। आप बोलेंगे कि मैं बिलासपुर शहर के इस पर्टिकुलर कॉलोनी में रहता हूँ। तो आईपी एड्रेस करने का भी मतलब यही था कि आप जिस लोकेशन पे हो उसकी एड्रेसिंग की जाए। ठीक है, जैसे आप राजकिशोर नगर में रहते हो, नेहरू नगर में रहते हो, जहां पे भी रहते हो वहां की एड्रेसिंग हो रखी है उस लोकेशन की। तो आईपी एड्रेस करने का मेन पर्पस ये था कि लोकेशन की एड्रेसिंग हो पाए। दूसरा इसका मेन पर्पस ये था होस्ट या नेटवर्क, ठीक है, नेटवर्क को आइडेंटिफिकेशन करना। पहली बात तो ये कि आप जिस जगह पे हो उसको एड्रेसिंग प्रोवाइड किया जाए। ठीक है, किस जगह पे हो। दूसरा, आप खुद क्या हो, आप होस्ट को आइडेंटिफाई करना। बेसिकली आपको आइडेंटिफाई करने के लिए, होस्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आईपी एड्रेसिंग किया जाता है। तो आईपी एड्रेसिंग का दो मेन पर्पस है। एक तो पहले ऊपर तौर पे देखें तो आप ऊपर तौर पे आपकी एड्रेस को पहले खोजा जाएगा और उसके बाद आपको किया जाएगा कि आप क्या हो करके। तो आईपी एड्रेस करने का दो ही पर्पस होता है, लोकेशन एड्रेसिंग
और होस्ट को आइडेंटिफाई करना कि होस्ट है कि नहीं है, होस्ट को आइडेंटिफाई करना कि इस लोकेशन पे वो है कि नहीं, तो दैट इज कॉल्ड आईपी एड्रेसिंग। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, और अब आप लोगों ने इसका डेफिनेशन और इसका पर्पस देखा कि ये क्या होता है और इसका क्या मेन फंक्शन है, ठीक है। अब आईपी एड्रेस के टाइप्स हम लोग देखते हैं कि आईपी एड्रेस कितने टाइप के होते हैं। तो आईपी एड्रेस दो प्रकार के होते हैं बेसिकली, एक होता है IPv4 और एक होता है IPv6। इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इसको बोलते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 प्रोटोकॉल, ठीक है। दोनों के फंक्शन और फीचर्स दोनों अलग अलग हैं, ठीक है, उस पर हम लोग थोड़ा सा देर में बात करेंगे कि दोनों के क्या फंक्शन और फीचर हैं। आपको इतना जानकारी हो गई। अब नेक्स्ट जानकारी आपको ये होनी चाहिए कि ये आईपी एड्रेस देता कौन है। तो आईपी एड्रेस बेसिकली पूरी दुनिया में जो बांटते फिरता है वो है एक संस्था जिसका नाम है IANA, ठीक है। पूरे दुनिया में जो आईपी एड्रेस अलग अलग लोगों को दे रखा हुआ है उसका, उस संस्था का नाम है IANA, जिसका नाम है इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है। तो इस संस्था के पास पूरा आईपी एड्रेस मौजूद है, यही पूरे दुनिया की आईपी एड्रेस को मैनेज करता है ये संस्था, दैट इज कॉल्ड इंटरनेट असाइंड नंबर अथॉरिटी, ठीक है। अब आगे आते हैं, इसने तो पूरे आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर दिया, तो क्या ये आपको डायरेक्टली आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, या फिर अगर आपको कोई आईपी एड्रेस चाहिए तो क्या आप इस संस्था से मांगते हो? तो ऐसा नहीं है। आप ये IANA मेन अथॉरिटी है ओवरऑल पूरे वर्ल्ड के लिए, लेकिन ये जो आईपी एड्रेस है ये छोटे छोटे सर्विस प्रोवाइडर को दे रखा है। उस सर्विस प्रोवाइडर को क्या बोलते हैं? ISP, याद है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडरों को ये मतलब आप ये बोल सकते हैं कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अगर किसी को बनना है तो बेसिकली उसको कुछ सेट ऑफ आईपी एड्रेस खरीदना पड़ेगा, किससे? IANA से, ठीक है। अब ISP को मान लीजिए, इस ISP को इसने परचेस किया या फिर इसको मिला, मान लीजिए 100 आईपी एड्रेस इसको मिल गया, इसको मान लो ये महंगा, ये ज्यादा अमीर है, इसको 200 आईपी एड्रेस मिल गया। अब ISP क्या करेगा? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर बेसिकली आपको जब कुछ चाहिए होता है तो आप ISP के पास जाते हो। ISP एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करता है, ठीक है, ठीक है। ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर क्या होते हैं? ये ISP के द्वारा नियुक्त किए गए रहते हैं और ये मेन आपको जो यूजर है उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने का काम करते हैं, ठीक है। तो अल्टीमेटली आप इस पूरे स्ट्रक्चर को देखेंगे तो इस पूरे स्ट्रक्चर में आपको दिखेगा IANA टोटल इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, फिर वो ISP के पास जाता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर के पास, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर एक नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर, जो भी उसका नेटवर्क उसने स्थापित कर रखा है उसका एक एडमिनिस्ट्रेटर वो बना लेता है। हो सकता है ये मतलब लोकल आदमी हो तो खुद ही वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर का भी काम कर सकता है और खुद ही वो ISP भी हो सकता है, और कोई बड़े बड़े हैं जैसे जियो है तो अंबानी तो अब एडमिनिस्ट्रेटर नहीं बन सकता ना, तो वो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जियो का अलग अलग जगह पे बना के रखते हैं। अब ये नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर बेसिकली जाते हैं यूजर के पास, या यूजर को जब आईपी एड्रेस की जरूरत पड़ती है, बेसिकली यूजर जब इंटरनेट चलाता है तो उसके पास कोई आईपी एड्रेस होना चाहिए, तो वो बेसिकली नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको प्रोवाइड करता है आईपी एड्रेस, या फिर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर उसको असाइन करता है एक आईपी एड्रेस, ठीक है। तो सिंपल सा बात है, मैं इस पूरे कॉन्सेप्ट में आपको सिर्फ इतना ही बताना चाह रहा था कि नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर असाइंस एन आईपी एड्रेस टू ईच डिवाइस, ठीक है, जो कि उसके नेटवर्क के साथ कनेक्टेड है। उसके नेटवर्क के साथ जितने लोग भी कनेक्टेड हैं उनको आईपी एड्रेस असाइन करने का काम आपका नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर करता है। अब नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो होते हैं ये किस किस टाइप का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकते हैं, ये भी एक बात आती है। तो हम लोग देखते हैं कि एक जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर होता है ये कितने प्रकार का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है। तो ये दो प्रकार का आईपी एड्रेस प्रोवाइड कर सकता है, एक होता है स्टैटिक आईपी एड्रेस और एक होता है डायनेमिक आईपी एड्रेस, ठीक है। स्टैटिक और डायनेमिक में अंतर यह है कि देखिए कोई कुछ आईपी एड्रेस ऐसे होते हैं जो फिक्स होते हैं,
ठीक है, जैसे कि आपको मान लीजिए एक घर खरीदना है, ठीक है, घर खरीदना है तो आपने फिक्स रजिस्ट्री कराई घर की और आपको वो जमीन आपको दे दिया गया, ठीक है, वो आपको घर दे दिया गया तो आप उसमें परमानेंट मालिक हो गए। वैसे ही एक आईपी एड्रेस ऐसा है जो आपको परमानेंटली दे दिया गया और आप उसके मालिक हो गए, अब वो आईपी एड्रेस आप ही के नाम से रजिस्टर्ड हो गया हमेशा। तो स्टैटिक का मतलब होता है जो चेंज नहीं होना, तो ऐसे आईपी एड्रेस जो चेंज नहीं होते हैं दैट इज कॉल्ड स्टैटिक आईपी एड्रेस। एक प्रकार का आईपी एड्रेस नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर डायनेमिक भी देता है और जनरली यही मिलता है। स्टैटिक तो बहुत महंगा होता है, मतलब कोई परमानेंटली खरीदना चाह, डायनेमिक का मतलब ये होता है आप एक रूम समझ लीजिए, रूम में मान लीजिए 5 चेयर है, ठीक है, 5 चेयर है और इंसान है यहाँ पे मान लीजिए 10। अब इसके पास मैनेज करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ गई कि 10 को मेरे को बैठाना है, तो वो क्या करेगा, 5 लोगों को पहले बैठा के रखेगा और 5 लोग जब थक जाएंगे तो 5 में से किसी को, जो पहले थकेगा इसको उठाएगा फिर इसको बैठाएगा, या ये खुद मान लो कोई काम से उठ गया तो ये सीट खाली रह गई तो इसको बैठा दिया। ऐसा ही डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करता है, मतलब जब संख्या उसके पास ज्यादा होती है यूजर की और उसके पास आईपी एड्रेस कम होते हैं, मान लीजिए 10 ही आईपी एड्रेस है और 100 यूजर है तो वो क्या करेगा, या फिर 100 यूजर तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, 10 आईपी एड्रेस है और उसके पास है मान लीजिए 20 यूजर है तो क्या करेगा, जिस यूजर को इंटरनेट, अब ऐसा तो नहीं होगा कि 200 की 200 एक साथ कनेक्टेड हो जाएंगे, तो मान लीजिए, मतलब इन जनरल मैं बोल रहा हूँ कि इन जनरल क्या होता है, मान लीजिए 5 लोग कनेक्टेड है, 5 लोग को कोई दे दिया आईपी एड्रेस, फिर और 5 लोग आ गए तो फिर 5ों को दे दिया, अब इसके पैकेट फुल, अब और 5 लोग आएंगे तो वो वेट करना पड़ेगा उसको आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए कि कोई एक डिसकनेक्ट हो जाए। तो डायनेमिक आईपी एड्रेस ये होता है कि ऐसा आईपी एड्रेस जो बदलता रहता है, मतलब आज अगर मैं एक यूजर हूँ, मेरे को जियो वाला एक आईपी एड्रेस दिया हुआ है, तो ये आईपी एड्रेस अभी मैं नेटवर्क से कनेक्टेड हूं तो मेरे पास एक आईपी एड्रेस आ गया, जैसे ही मेरा मान लीजिए नेटवर्क चला जाता है बाई चांस, ठीक है, मेरा इंटरनेट बंद हो जाता है तो मेरा ये आईपी एड्रेस हो सकता है किसी और पर्सन को मिल जाए जो उस समय नेटवर्क से कनेक्टेड हो, और फिर मैं अचानक से 15 मिनट बाद मान लो नेटवर्क आता है और मैं कनेक्ट हो जाता हूँ इंटरनेट के साथ तो मेरे को कोई दूसरा आईपी एड्रेस मिल सकता है। इसका मतलब ये है कि एक व्यक्ति को अलग अलग आईपी एड्रेस भी मिल सकता है, इसका ये कैसे होता है, ये डायनेमिक आईपी एड्रेस होते हैं जो हम लोगों को बार बार अलग अलग तरीके से असाइन होते हैं, ठीक है। अब आप लोगों को जैसे ध्यान होगा कि जैसे साइबर सेल होते हैं, ठीक है, साइबर सेल आप लोग जैसे कोई साइबर क्राइम कर रहा है, मान लीजिए आपको कोई फेसबुक पे कोई उलझुल मैसेज भेज दिया, ठीक है, अब आप इसकी रिपोर्ट कराना चाहते हैं, रिपोर्ट में आप जब जाते हैं साइबर सेल के पास तो साइबर सेल उसका बेसिकली आईपी यूआरएल चेक करता है और आईपी एड्रेस उसका देखता है कि उससे आईपी एड्रेस निकालता है कि आईपी एड्रेस बेसिकली क्या है। अब आईपी एड्रेस हो सकता है ये डायनेमिक आईपी एड्रेस वाला होगा, तो इसका मान लो उस समय मैसेज किया तो उसका आईपी एड्रेस कुछ और था, फिर बाद में वो चेंज कर दिया तो आईपी एड्रेस उसका चेंज हो गया। इसीलिए एक लॉग फाइल बनाई जाती है हर नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर के पास, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो आईपी एड्रेस जिसको भी दिया रहता है, मान लीजिए अभी इस टाइम पे आपको कोई एक आईपी एड्रेस प्रोवाइड किया गया, वो उसके लॉग फाइल में रजिस्टर्ड हो जाता है, इस पर्टिकुलर टाइम पे ये बंदा इस आईपी एड्रेस को यूज कर रहा था, हो सकता है यही सेम आईपी एड्रेस थोड़ी देर बाद कोई और बंदा यूज कर रहा होगा तो उसकी टाइम नोट हो जाती है लॉग फाइल में। तो ये सब काम कौन करता है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर इसको मैनेज करने का काम करता है। अब आपके दिमाग में ये भी आएगा कि ठीक है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर जो है ये स्टैटिक भी दे दिया डायनेमिक भी दे दिया, तो ये जो डायनेमिक आईपी एड्रेस देने का सिलसिला है, मतलब कि मान लीजिए उसके पास कम चेयर हैं और ज्यादा यूजर हैं, कम आईपी एड्रेस है ज्यादा यूजर हैं, तो वो किस हिसाब से देगा, क्या वो उन लोगों का अमीरी गरीबी को देखेगा कि भाई अमीर लोगों को पहले बैठा पहले आईपी एड्रेस दूंगा, वो किस हिसाब से देखेगा ये, मतलब कुछ रूल्स एंड रेगुलेशन तो फॉलो करेगा ना इस आईपी एड्रेस को प्रोवाइड करने के लिए, उस रूल्स एंड रेगुलेशन को प्रोटोकॉल कहते हैं, सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन को हम लोग प्रोटोकॉल कहते हैं। तो ये कौन सा प्रोटोकॉल यूज करता है इस डायनेमिक एड्रेस को प्रोवाइड करने में, उस प्रोटोकॉल का नाम है DHCP, जिसका फुल फॉर्म है डायनेमिक होस्ट कॉन्फिगरेशन प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल DHCP, हम लोग इसके डिटेल में नहीं जाएंगे,
ये प्रोटोकॉल का अपना पूरा सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो आप लोगों को के उसमें नहीं है, लेकिन आप सिर्फ नाम सुन के रखिए। अचानक से अगर कोई कुछ पूछता है व्हाट इज डीएससीपी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि डीएससीपी क्या है, एक प्रोटोकॉल है। देखिए नाम में लिखा हुआ है डायनामिक होस्ट, आप समझते हैं ना, डायनामिक मतलब बार बार चेंज होना, होस्ट मतलब जो यूजर है, तो डायनामिक होस्ट कॉन्फ़िगरेशन प्रोटोकॉल, मतलब ऐसा ये सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन है जो डायनामिकली होस्ट को चेंज कर दे रहा है। तो इस प्रोटोकॉल के मदद से ये जो नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर है वो डायनामिक आईपी एड्रेसिंग प्रोवाइड करता है। ऐसे देखिए डायनेमिक आईपी एड्रेस प्रोवाइड करने के लिए बहुत सारे प्रोटोकॉल होते हैं, मतलब बूटस्ट्रैप प्रोटोकॉल है, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल है, डीएससीपी है, लेकिन सबसे ज्यादा जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है, मोस्ट कॉमनली वो डीएससीपी ही यूज होता है। आपको मैं यहाँ पे अपना ही लैपटॉप, अपने कंप्यूटर का मैं आपको लाइव दिखाता हूँ। आप ये कोई भी कंप्यूटर के नीचे पे आप आएंगे तो यहाँ पे नेटवर्क वो रहेगा, ओपन नेटवर्क एंड इंटरनेट सेटिंग, आप इसमें आप आइए, चलिए इसमें अगर आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे तो आप यहाँ वाईफाई कनेक्शन पे चले आ जाइए, ठीक है। वाईफाई कनेक्शन पे आप आएंगे तो आपको दिखेगा कि यहाँ पे अवेलेबल नेटवर्क को मैं चेक करना चाहता हूँ कि कितने अवेलेबल, नहीं अवेलेबल नहीं, छोड़िए, आप मैनेज करिए नो नेटवर्क को, तो आपको ये पता चलेगा कि देखिए वाईफाई से मेरे कितने सारे नेटवर्क से पहले मैं कनेक्टेड था, बहुत सारा, लेकिन अभी मैं कनेक्टेड हूँ मान लीजिए इससे, तो मैं इसकी प्रॉपर्टीज चेक करता हूँ। आप इसकी प्रॉपर्टी जब चेक करेंगे तो आपको ये पता चलेगा कि ये एक प्राइवेट नेटवर्क है। बेसिकली दो नेटवर्क होते हैं, एक पब्लिकली और एक प्राइवेट नेटवर्क, तो ये मेरा अपना जियो का नेटवर्क है तो प्राइवेट नेटवर्क हो गया। अब आप इसके आईपी सेटिंग्स में आते हैं तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि देखिए आईपी असाइनमेंट कैसा हुआ, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे ऑटोमेटिक हुआ है, वो भी डीएससीपी प्रोटोकॉल से। तो आप ये समझ पा रहे होंगे कि डीएससीपी प्रोटोकॉल से ही पूरा आईपी का असाइनमेंट होता है। आप अपने नेटवर्क में आपको देखिए क्या क्या मेन प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है। एक तो आपको आईपी असाइनमेंट किस तरीके का देता है, और देखिए आप यहाँ पे देख पाएंगे IPv4 का अपना एक एड्रेस है, ठीक है। देखिए अभी यहाँ पे आपको दो चीज दे रहा है, IPv6 का एड्रेस दिया हुआ है और IPv4 का एड्रेस दिया है, ये दोनों भी बड़े इंपॉर्टेंट है कि, और यहाँ पे मेरा फिजिकल एड्रेस दिया हुआ है। देखिए जो आपको मैं हमेशा बताता हूँ कि एड्रेसिंग दो प्रकार की होती है, एक होती है फिजिकल एड्रेसिंग और एक होती है लॉजिकल एड्रेसिंग। फिजिकल एड्रेसिंग को मैक एड्रेस भी कहा जाता है, जो आपकी हार्डवेयर की एड्रेस होती है, आप जिस हार्डवेयर को यूज कर रहे हैं उस एड्रेस को मैक एड्रेस कहा जाता है। और आईपी एड्रेस लॉजिकल एड्रेस होता है, जो ग्लोबली आप जिस नेटवर्क के साथ कनेक्टेड हो उसमें आपका क्या एड्रेस है वो आपको देते हैं। तो वो दो प्रकार से होता है, IPv4 और IPv6। तो मैं यही अभी आप लोगों को IPv4 V6 में अंदर घुसूंगा, लेकिन अभी मैं आप लोगों को ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ओवरऑल आपका ये सब कॉन्सेप्ट होता है। तो आगे बढ़ते हैं और अब हम लोग देखते हैं कि देखिए ये आईपी एड्रेस होता कहाँ पे है। आपको तो मैंने हमेशा बताया है कि एक कंप्यूटर मान लीजिए इंडिया में है और किसी ऑस्ट्रेलिया में उसको मेल करना है या कुछ भी कम्युनिकेशन करना है, तो वो क्या किस फॉर्म में भेजता है, पैकेट के फॉर्म पे डेटा भेजता है। पैकेट क्या होते हैं, पेलोड होता है, हेडर होता है, ट्रेलर होता है। तो ये हेडर में आपको याद होगा कि मैंने आपको बताया था आईपी एड्रेस छुपा होता है, आईपी एड्रेस सेंडर का भी और डेस्टिनेशन का भी। तो यहाँ पे आपका हेडर पोर्शन आपको ध्यान देना है कि आईपी जो होते हैं वो यहाँ पे होते हैं। अब हम लोग आगे आते हैं और अब हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेसिंग में, जैसे मैंने आपको दिखाया दो प्रकार की आईपी एड्रेसिंग होती है, एक होती है IPv4 और एक होती है IPv6। पहले जो आया है इस दुनिया में वो IPv4 आया और कुछ सालों पहले IPv6 की इन्वेंशन हुई थी, मतलब इन्वेंशन नहीं बोल सकते, उसको डिजाइन किया गया था। तो IPv4 क्या है और IPv6 क्या है, पहली बात तो ये IPv4 जो होता है, IPv4 एड्रेसिंग होती है, वो बेसिकली कोई भी आपका जो डिवाइस है मान लीजिए उसको या आपका नेटवर्क है उसमें आपको आईपी एड्रेसिंग देना हो, तो कोई भी एड्रेस जो 32 बिट में एड्रेसिंग की जाती है, मतलब 32 बिट का इस्तेमाल किया जाता है एड्रेस करने के लिए, उस एड्रेसिंग को IPv4 एड्रेस कहते हैं। और अगर कोई भी एड्रेस को 128 बिट में रिप्रेजेंट किया जाता है, एड्रेसिंग की जाती है, उसको IPv6 कहते हैं। दोनों में अंतर आप देख पा रहे हैं ना, IPv4 सिर्फ 32 बिट में, क्योंकि पहले उतना पॉपुलेशन नहीं था, उतना नेटवर्क डिवाइसेस नहीं थे, तो ये डिजाइन किया गया था
कि 32 बिट में ओवरऑल पूरे वर्ल्ड में सारी डिवाइसेस कवर अप हो जाएंगे और आईपी एड्रेसिंग हो जाएगा, क्योंकि देखिए जितना बिट होता है उतना अगर आप 2 to the power कर दें तो उतना उसका एड्रेस स्पेस होता है। आप इसको धीरे से समझिए, जितना बिट वो यूज कर रहा है उसका 2 to the power करेंगे तो उतना एड्रेस स्पेस हो सकता है। आपको नहीं समझ में आया, मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मान लीजिए मैं 2 bit में कोई चीज को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, ठीक है, तो दो या पहले मैं बताता हूं, चलिए मैं अगर कोई एड्रेस को 1 bit से रिप्रेजेंट कर रहा हूं तो मैं कैसे बता सकता हूं, या तो मैं उस एड्रेस को 0 बोलूंगा या तो उसको 1 बोलूंगा, क्योंकि मैं एक ही बिट यूज कर सकता हूं। ये कितना हुआ, कितना टोटल एड्रेस हो सकता है, या तो 0 या तो 1, मतलब टोटल हो सकता है 2 to the power 1 = 2। अब मैं 2 bit में देखता हूं कि 2 bit में अगर मेरे को कोई एड्रेस को दिखाना है, कुछ चीज को लेबल चिपकाना है, तो मैं कैसे कर सकता हूं, 2 bit में करना है तो या तो मैं 0 0 ले लूं, या तो 0 1 ले लूं, या तो 1 0 ले लूं, या तो 1 1 ले लूं। चारों पॉसिबल कॉम्बिनेशन आ गए, मतलब जितने पॉसिबल कॉम्बिनेशन हो सकते थे 2 bit में उतने आ गए। ये कितने हैं टोटल, आप कर लीजिए 2 to the power, अगर आप इसको लेंगे 2 तो आपको आ जाएगा 4, मतलब टोटल 4 है। वैसे ही अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर 3 bit को कोई भी मेरे को लेबल चिपकाना है और मेरे को 3 bit ही यूज करना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, और सब अलग अलग होने चाहिए, तो मैं क्या कर सकता हूँ, 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1। ये देखिए, इससे ज्यादा कुछ कर सकता हूँ क्या मैं 3 bit में जो अलग हो सके, नहीं, ये मैक्सिमम है। और ये टोटल कितने हैं आप गिन लीजिए तो आपको मिलेंगे 8। ये कैसे हुआ, 2 to the power 3। यही मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि अगर मैं कोई लेबल को 32 bit से रिप्रेजेंट करना चाहूंगा तो अब 32 bit लिखने में तो मेरा पूरा वो हो जाएगा, तो इसका आप टोटल एड्रेस आप देखें कि कितना, ये कैपेसिटी कितनी है इसकी, अगर आप 32 बिट से रिप्रेजेंट कर रहे हो तो 2 to the power 32 आप कर सकते हो। मतलब आप इसको, आपको पता है 2 to the power 32 कितना होता है, आप लिख लीजिए, मान 2 to the power 10 लिखिए, 2 to the power 10 लिखिए, 2 to the power 10 लिखिए और 2 to the power 2 लिखिए, क्या ये 2 to the power 32 होगा क्या मैथमेटिकली? आई होप आप लोगों को मैथ्स आता होगा कि बेस सेम रहता है तो पावर ऐड हो जाते हैं। 2 to the power 10 होता है 1024, या फिर इसको आप आम भाषा में 1 kilo भी बोल सकते हैं, 1 KB किलोबाइट भी बोल सकते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इनटू फिर 1024 करते हैं तो आप इसको टोटल 1 KB से मल्टीप्लाई करते हैं तो आप कितना हो सकता है, ये होता है 10 to the power 3, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो होता है 10 to the power 6, मतलब 1 MB। इसको अगर आप और 1024 से करेंगे तो कितना होगा, इसको और किलो, 1 किलो से कर लीजिए तो कितना होगा, 1 GB, है ना। तो 10 और 2 to the power 2 है, इसको भी मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 4 × 10⁹ एड्रेस की कैपेसिटी है इसके अंदर। इसको आम भाषा में क्या बोलेंगे, 4 GB, या फिर आप इसको आम भाषा में बोल सकते हो 4G को बोलते हैं बिलियन, तो 4 billion एड्रेस स्पेस हो सकता है। तो उस जमाने में ये सोचा गया था कि हमारे पास इतने तो डिवाइस जितने हैं, 4 billion की कैपेसिटी हमारे लिए सफिशियंट है। तो आईपी एड्रेसिंग जो हो रहा था वो IPv4 एड्रेसिंग, पहली बात तो आपको ये याद रखना है IPv4 एड्रेसिंग कितने बिट में कोई एड्रेसिंग करता है कोई भी उसकी, तो वो 32 बिट में करता है। और IPv6 में कितने बिट में एड्रेसिंग होता है सोचिए, 2 to the power 128 कर लीजिए आप, आपको समझ में आ जाएगा कि कितनी कैपेसिटी है इसकी। तो वो इसीलिए डिजाइन किया गया क्योंकि इधर एड्रेस पूरा फुल हो रहे थे, मतलब ये 4 billion भी हमारे लिए सफिशियंट नहीं थे। आप सब आज जानते हैं ना पूरे वर्ल्ड में कितनी बिलियन पॉपुलेशन है, 7 billion से ज्यादा पॉपुलेशन आज पूरे वर्ल्ड में है, तो 7 billion में सिर्फ 4 billion ही कैपेसिटी इसमें है IPv4 में, तो हम लोगों को अब कुछ बड़ा चाहिए था, इसीलिए हम लोग IPv6 एड्रेसिंग में गए थे। चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। पहली बात तो आपको कोई भी आईपी एड्रेसिंग में ये पहले पता चल गई कि वो कितने बिट में रिप्रेजेंटेशन कर सकता है, पहली बात तो ये। दूसरी बात आपको ये पता करनी थी इसमें कि इसको लिखा कैसे जाता है, तो IPv4 एड्रेसिंग को बेसिकली डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है। डॉटेड डेसिमल नोटेशन मतलब होता है हर एक नंबर होता है, नंबर के आगे एक डॉट होता है,
फिर एक नंबर होता है नंबर के आगे डॉट, ठीक है, इसको बोलते हैं डॉटेड डेसिमल नोटेशन। अब दिमाग में यह भी सवाल आएगा कि क्या ये नंबर कुछ भी हो सकता है, तो नहीं, ये नंबर कुछ भी नहीं हो सकता, ये नंबर 0 से लेके 255 तक ही जा सकता है, इससे ज्यादा ये नहीं जा सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि ये जो नंबर है इसका जब आप बेसिकली देखिए 32 बिट में इसको लिखना है अपन को, IPv4 एड्रेसिंग टोटल 32 बिट का ही हो सकता है। 32 को अगर अपन चार भाग में बांटें, देखिए चार भाग में बांटें तो आप कितना हो सकता है 32 का, 8 4 32, तो हर जो डॉट है डॉट के इस तरफ सिर्फ 8 बिट ही रिप्रेजेंट हो सकते हैं, ये 8 बिट, ये 8 बिट, ये 8 बिट और ये 8 बिट, तो टोटल करके हम लोग का 32 बिट हो जाएगा सिंपल से। अब 8 बिट ही हमारे पास है तो टोटल कितना हो सकता है, 8 बिट में मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा सकती है, तो आप कर लीजिए 2 to the power 8 कर लीजिए, तो आपको कितना आएगा 2 to the power 8, कोई बता सकता है 2 to the power 8 कितना आएगा? 256। मतलब टोटल संख्या जो हो सकती है वो 256 ही हो सकती है, और अगर मैं जीरो से काउंट करूं तो मैक्सिमम जो नंबर हो सकता है वो 255 हो सकता है। तो इसीलिए जो हर IPv4 एड्रेसिंग में जो हर संख्या है, हर संख्या की मैं बात कर रहा हूं, वो 0 से लेके 255 तक जा सकता है, 255 के ऊपर नहीं जा सकता है। तो अगर मैं आपको एक आईपी एड्रेस देता हूं, मान लीजिए एक आईपी एड्रेस दिया आपको 255.16.257.1, और मैं पूछता हूं कि क्या ये वैलिड आईपी एड्रेस है या नहीं, तो आप क्या बताएंगे? नहीं, नहीं है, क्योंकि इसमें से एक पोर्शन 255 को क्रॉस कर रहा है। तो ऐसे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए रहते हैं और आपको पूछा जाता है विच इज ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड आईपी एड्रेस, तो आपको इससे पता करना है पहली बार, ठीक है। तो आपका IPv4 एड्रेस में आपको लिखने का तरीका मेरे ख्याल से अभी समझ में आया होगा। दूसरा, IPv6 आईपी एड्रेसिंग में लिखते कैसे हैं, ये हेक्साडेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, IPv4 डॉटेड डेसिमल में और ये हेक्साडेसिमल में। इसका मतलब ये है, देखिए इसमें डॉट से अलग नहीं किया गया है नंबर को, ऐसे कोलोन से अलग किया गया है, ठीक है, ये कोलोन आप देख पा रहे हैं बेसिकली, ठीक है, ये कोलोन से अलग होता है नंबर, और ये जो संख्या होती है बेसिकली ये जो संख्या है ये हेक्साडेसिमल में लिखी जाती है। हेक्साडेसिमल मतलब आप समझते हैं ना, 0 से लेके 9 तक लिखा जाता है, फिर 10 को ए लिखा जाता है, 11 को बी सी डी ई और एफ, मतलब टोटल हेक्सा मतलब 0 से लेके मतलब टोटल 16 ही नंबर होंगे, हेक्साडेसिमल मतलब 16, 0 से लेके एफ तक। तो यहाँ पे आप देख पाएंगे कि ये हेक्साडेसिमल में लिखा गया नंबर है, और इसको भी अगर आप बाइनरी में करना चाहते हैं तो इसको बाइनरी में आप यहाँ पे लिख सकते हैं। अब आपको ये समझ में आ गया कि IPv4 और V6 को लिखा कैसे जाता है। अब हम लोग इसकी फीचर्स को देखते हैं कि IPv4 और V6 के फीचर्स कैसे कैसे हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं, अब आगे हम लोग देखते हैं आईपी एड्रेसिंग में कि आप लोगों को पहले तो लिखना आ गया, अब मैं इसके फीचर्स बताता हूं, तो फीचर्स में आप लोगों को थोड़ा सा इमेजिन होगा। IPv4 एड्रेसिंग में अगर आपको चार नंबर में क्वेश्चन आता है तो आप क्या क्या लिख सकते हैं और आपको क्या पता होना चाहिए IPv4 के बारे में। पहला तो आपको ये पता होना चाहिए कि इसका जो एड्रेस साइज है वो कितना है, 32 बिट में है, ठीक है, और टोटल ये किस चीज में लिखा जाता है 32 बिट से, मतलब और एड्रेस स्पेस अगर मैं बोलूं, एड्रेस स्पेस कितनी कैपेसिटी का है, तो ये 4 बिलियन कैपेसिटी का इसमें स्पेस है, पहली बात। दूसरी बात आपको ये याद रखना है इसको लिखा कैसे जाता है, डॉटेड डेसिमल नोटेशन में लिखा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम लोग देखें कि इसमें हर नंबर जो डेसिमल नोटेशन होता है उसकी रेंज कितनी होती है, तो उसकी रेंज 0 से 255 होती है, ठीक है। तो ईच नंबर इन डॉटेड डेसिमल नोटेशन रेंज फ्रॉम 0 से 255 वैल्यू तक ही होती है, ठीक है। अब आप दिमाग में ये आने लगा कि 0 से 255 तक एक नंबर हो गया, ठीक है, मान लो ये नंबर हो गया, फिर यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, यहाँ पे एक नंबर है, तो क्यों ना इसको क्लासेस में बांट दिया जाए, मतलब ऐसा कर दिया जाए कि ये जो शुरुआत वाला नंबर है ना, फिर डॉट के बाद वाले जो नंबर है उनको अभी ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये जो फर्स्ट वाला जो नंबर है 0 से 255, इसको ऐसा कर दिया जाए कि 0 से लेके कोई एक नंबर, लेट सपोज 127 तक के लिए अपन पर्टिकुलर यू
एक यूज होता है उसके लिए अपन इसको यूज करें, फिर 128 से लेके कोई एक संख्या तक अपन इसको कुछ दूसरा यूज करें, फिर ऐसे करके अपन यूज करते रहे। मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जितना हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स था उसमें हम लोग बांट बांट के काम कर रहे हैं। इसको बोलते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग, ठीक है, ये इस टाइप के एड्रेसिंग को बोलते हैं क्लासफुल एड्रेसिंग। और ये आपका IPv4 में होता है। IPv4 में आप यहाँ पे अगर नीचे फिगर देख पा रहे होंगे तो आपको दिखेगा कि ये 5 क्लासेस में बटा हुआ है, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास ई। आपको ये संख्या याद रखनी है इस नंबर को कि ये किस किस नंबर में बटा हुआ है, आप इसको याद रख लीजिए, क्योंकि आप लोगों को मैंने क्वेश्चन पेपर भी दिखाया था, इस साल के क्वेश्चन पेपर में यही क्वेश्चन 4 नंबर में पूछा गया है कि जो IPv4 एड्रेसिंग में क्लासेस होते हैं उसकी आप वो टेबल या उसका वो संख्या बताइए। तो ये संख्या आपको याद रखना है 0 से 127 तक, आप 4-5 बार प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएगा आपको। 0 से 127 तक को क्लास ए बोला जाता है, क्लास बी, क्लास सी 192 से 223, क्लास डी और क्लास ई। ये सब अलग अलग क्लासेस का अलग अलग यूज के हिसाब से इनको बनाया गया है। तो अब आपको यूज के लिए मैं आपको पहले तो ये बताता हूं कि आपका यूज किस किस प्रकार से होता है। तो आपको मैं एक ये दिखाता हूँ, लेट सपोज कि एक सेंडर है, ठीक है, ये एक सेंडर है और मान लीजिए ऐसे बहुत सारे रिसीवर्स हैं, मान लीजिए 5 रिसीवर्स हैं। अगर ये सेंडर को मान लीजिए इन 5 में से सिर्फ एक को इंफॉर्मेशन या कम्युनिकेशन करना है, ठीक है, इस तरीके के ट्रांसमिशन को बोलते हैं यूनिकास्ट ट्रांसमिशन। यूनिक का मतलब जानते हैं ना, सिंगुलर, सिंगल, और कास्ट मतलब अपन ट्रांसमिशन करना है, कास्टिंग करना है। तो जब कभी एक वन सेंडर होगा और बहुत सारे रिसीवर में से किसी एक रिसीवर में आपको भेजना होगा, उसको बोलते हैं यूनिकास्ट, ठीक। अगर यही एक सेंडर होगा और उसको बहुत सारे में से मान लीजिए सिर्फ 3 लोगों को भेजना है, 5 में से सिर्फ 3 लोगों को भेजना है, तो इसको कहते हैं मल्टीकास्ट। मल्टीकास्ट का मतलब ये होता है कि जब बहुत सारे रिसीवर हों उनमें से कुछ चुनिंदा रिसीवर्स को ही अपन डेटा भेजते हैं, उसको बोलते हैं मल्टीकास्टिंग। और तीसरा होता है कि जब एक सेंडर है और वो डेटा सबको भेजना चाहता है, जितने लोग भी कनेक्टेड है सबको भेजना चाहता है, उस टाइप के कास्टिंग को बोलते हैं ब्रॉडकास्ट। जो आप लोग जनरली देखते हैं लाइव क्रिकेट मैच या कोई भी चीज को ब्रॉडकास्टिंग होता है, वो सारे रिसीवर के पास जाता है जो जो उसको रिसीव कर ले, ठीक है। लेकिन अगर अपन चुनिंदा लोगों को ही भेजें तो दैट इज कॉल्ड मल्टीकास्ट, और सिर्फ एक को भेजें तो दैट इज कॉल्ड यूनिकास्ट। तो आप लोगों को ये चीज समझ में आया होगा, यहाँ पे इसका फिगर भी यहाँ पे दिख रहा होगा, यूनिकास्ट, मल्टीकास्ट, ब्रॉडकास्ट। इसी के बेसिस पे ये क्लासेस को बांटा गया। देखिए ऊपर के जो 3 क्लास हैं उस तीनों क्लास को यूनिकास्ट के लिए बांट दिया गया था, ठीक है। मतलब जब कभी भी एक सेंडर होगा और एक रिसीवर होगा उसमें अगर अपन को ट्रांसमिशन करना है, एक सेंडर और एक मान लीजिए इनमें से रिसीवर होगा, उनमें से एक को ट्रांसमिट करना है, तो आप कोई भी 3 क्लासेस में से कोई भी आईपी एड्रेस आपको मिल सकता है। लेकिन आप ऐसे सेंडर हो मान लीजिए जो आप क्या बोलते हैं मल्टीकास्ट करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको यहाँ पे मल्टीकास्ट की फैसिलिटी आपको मिली हुई है। तो मल्टीकास्ट बेसिकली मल्टीकास्ट जब करना होता है किसी को तो उसको क्लास डी का आईपी एड्रेस मिलता है, ठीक है, और क्लास ई का जो आईपी एड्रेस है वो जनरली एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए रखा गया है कि जब कभी भी कोई एक्सपेरिमेंटल अपन यूज करते हैं, कभी कभी कुछ डिजाइन किया जाता है, रिसर्च वर्क में काम होता है, तो उस समय आईपी एड्रेस क्लास ई का प्रोवाइड किया जाता है जो एक्सपेरिमेंटल पर्पस के लिए यूज करता रहता है। तो ये मेनली 3 प्रकार है। इसमें ब्रॉडकास्ट का एक पर्टिकुलर आईपी एड्रेस है, जब कभी भी ब्रॉडकास्टिंग किया जाता है तो वो पर्टिकुलर आईपी एड्रेस 255.255.255.255, इस आईपी एड्रेस से नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग होता है, ठीक है। तो इस आईपी एड्रेस से नेटवर्क ब्रॉडकास्टिंग होता है। टोटल आपका ये सब सारे क्लासेस इसमें ऐसे बटे हुए हैं, ठीक है। आप यहाँ पे भी इस फिगर में भी देख पाएंगे क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी, क्लास। ये क्वेश्चन कई बार पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, क्योंकि मल्टीकास्ट एड्रेस सिर्फ एक ही क्लासेस में हो रहा है, तो मल्टीकास्ट एड्रेस किस उसमें क्लास में बटा रहता है, तो वो आपको याद रखना है, क्लास डी में इसका होता है, ठीक है। और
इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सब नेटिंग कॉन्सेप्ट भी कहते हैं, ये सब नेट हो रहा है, या क्लासफुल एड्रेसिंग भी बोलते हैं। ओके, अब हम लोग आते हैं एक इस इशू में। वो इशू ये कहता है कि आईपी एड्रेस जो हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं आईपी एड्रेसिंग, इसमें IPv4 में एक प्रॉब्लम हो रहा था। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इसमें सिर्फ 4 बिलियन एड्रेस स्पेस है, जबकि आज हमारी जनसंख्या 7 बिलियन की है। तो हम लोगों को क्या करना चाहिए, कुछ सुधार करने की जरूरत है इसमें, ठीक है। तो एक संस्था आई जिसका नाम था IETF, इंटरनेट इंजीनियरिंग टास्क फोर्स। इन्होंने एक बेड़ा उठाया कि मैं हम लोग डिजाइन करेंगे बेसिकली एक नया आईपी एड्रेस का कॉन्सेप्ट। वो आईपी एड्रेस में खूब आईपी एड्रेस हो सकता है, उसमें खूब अच्छे अच्छे फीचर्स हो सकते हैं। ये टोटल इन्होंने 128 बिट में इन्होंने डिजाइन किया, और इसमें इतनी अच्छी अच्छी फैसिलिटी है, इतनी अच्छे अच्छे फीचर्स हैं जो IPv4 में नहीं थे, तो IPv6 में है। आपको एक एक फीचर में नहीं जाना है, क्योंकि IPv6 अपना एक पूरा एक लंबा कॉन्सेप्ट है, जिसमें अच्छा खासा मतलब घंटों घंटे जा सकते हैं। लेकिन आपको सिर्फ इतना पढ़ने के बाद आपको सिर्फ फीचर्स याद रखना है IPv6 के, क्योंकि ये अभी नया है और इसके फीचर्स आपको याद रखना है। तो फीचर्स में पहली बात तो आपको ये याद रखना है कि इसमें इन बिल्ट सिक्योरिटी फीचर है, जो उसमें नहीं थी, ठीक है, इन बिल्ट सिक्योरिटी फीचर। दूसरा इसका फीचर्स याद रखना है आपको कि इसमें कॉन्फ़िगरेशन अपने आप हो जाता है, उसमें मैन्युअली करना पड़ता था, इसमें ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की फैसिलिटी यहाँ पे इन्होंने डिजाइन कर रखी है, ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की। तीसरा इसका जो सबसे मेन फीचर है वो ये है कि जो एड्रेस क्राइसिस उसमें हो रहा था IPv4 में, एड्रेस की कमी हो रही थी, उसको ये दूर कर पाया, क्योंकि इसमें बहुत सारे एड्रेस हैं। एक 2 to the power 128, मतलब आप समझ सके हैं कितना सारा एड्रेस है। तो ये IPv4 के एड्रेस क्राइसिस को दूर कर पाया। इसका जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर बनता है आईपी, जब प्रोटोकॉल के अंदर अपन पढ़ते हैं प्रोटोकॉल के अंदर, तो उसमें एक हायरार्की बनती है, तो इसका जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर है वो काफी एफिशिएंट होता है। तो आपको ये फीचर्स याद रखना है बेसिकली, ठीक है, क्योंकि इसको एक एक को समझेंगे तो एक एक को समझने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आपको सिर्फ फीचर्स याद रखना है कि इसकी जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होती है वो काफी एफिशिएंट होती है एज कंपेयर टू आपका IPv4 एड्रेस। ओके, इसके बाद हम लोग आगे आते हैं और इसमें देखते हैं कि इसका जो राउटिंग टेबल बनता है, जब राउटर्स के पास जाता है IPv6 एड्रेस, तो जो राउटिंग टेबल बनता है वो बड़ा छोटा बनता है। तो राउटिंग टेबल के लिए भी हम लोगों को इसमें फायदेमंद मिला, ठीक है। इसके बाद हम लोग क्वालिटी ऑफ सर्विस, जो हम IPv4 से एक्सपेक्ट करते थे, उससे ज्यादा क्वालिटी ऑफ सर्विस इसमें हम लोगों को मिलती है, ठीक है। और इसका जो हेडर साइज होता है, आपको पता है ना पैकेट में हेडर का साइज होता है, जो आईपी एड्रेसिंग आईपी से कंटेन रहता है, तो इसका जो हेडर का साइज होता है वो बड़ा फिक्स रहता है, मतलब इसमें 40 बिट के हेडर साइज होते हैं। इससे ये फायदा होता है कि जब वो प्रोसेसिंग होता है तो बड़ा आसान हो जाता है प्रोसेसिंग। तो इसमें आप एक और फीचर ऐड कर सकते हैं कि इसका जो प्रोसेसिंग होता है वो बहुत आसान होता है, ठीक है। आसान ना बोल के ये बोल सकता हूँ कि प्रोसेसिंग लेस टाइम कंज्यूम करता है, मतलब इसमें टाइम बड़ा कम लगता है, ठीक है। बस इतना आपको कम से कम। और एक लास्ट फीचर आपको याद रखना है कि इसमें जो जैसे अभी हम लोग IPv4 में सब नेटिंग किए, सब नेटिंग आपको याद होगा क्लासेस में अपन बांट दिए, ठीक है, तो इसमें भी क्लासेस में बांटे जाते हैं, लेकिन इसमें हम और मल्टीपल लेवल में जाते हैं, मतलब अपन सिर्फ क्लास ए क्लास बी डी में नहीं जाते, अपन और अंदर में जाते हैं, उसके भी छोटे 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 और क्लासेस कर देते हैं। तो इसमें जो सब नेटिंग होता है वो होता है मल्टीपल लेवल सब नेटिंग, ठीक है। तो इससे क्या होता है कि एड्रेस एलोकेशन बड़ा वो हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये पूरा जो कॉन्सेप्ट है ये आपका IPv4 और IPv6 का कॉन्सेप्ट है, और यही आपका पूरा आईपी एड्रेसिंग का कॉन्सेप्ट है।